students, welcome again all of you in your SS class, and I hope all of you are enjoying your learning. To being a student, it is your duty to maintain a timetable, regular timetable for your studies. आपने timetable अपना maintain कर लिया होगा and I hope आप उसको follow भी कर रहे होंगे. So today we are going to start a new chapter of history, that is Nazism and the rise of Hitler. That is the lesson third of history. We skip the second lesson. क्योंकि थर्ड लेसन है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है सेकंड से, तो मैंने अभी उसको स्किप कर दिया है. वी विल रीड इट लेटर. ओके, सो नाजीज एंड द राइज ऑफ हिटलर. नाजीज वर्ड हियर इज यूज फॉर द सपोर्टर्स ऑफ द हिटलर. हिटलर एक ग्रेट पर्सनालिटी रहे हैं और उनकी जो स्ट्रॉन्ग विल थी दूसरे कंट्रीज को कॉन्क्वर करने की, उसी की वजह से अभी आप हम इनको हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं. क्योंकि इनके कुछ ऐसे अचीवमेंट्स हैं जिन्होंने पूरे वर्ल्ड पर इम्पैक्ट डाला, सो हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं. इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द हिस्ट्रीज, द पास्ट इवेंट्स, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. हिटलर का राइज कैसे हुआ, जर्मनी में हिटलर है वो एज अ डिक्टेटर लीडर कैसे बने, और उन्होंने जर्मनी का लीडर बनने के बाद में पूरे वर्ल्ड को कैसे इफेक्ट किया, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो ये चैप्टर की जो स्टार्टिंग होती है, अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो स्टार्टिंग में हमें सेकेंड वर्ल्ड वार के बारे में बताया जाता है. सेकेंड वर्ल्ड वार कब से कब तक हुआ था, 1939 से एंड 1945 तक चला था सेकेंड वर्ल्ड वार. एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट वर्ल्ड वार, दैट इज 1914 टू 1918. सो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन जो इंट्रोडक्शन है, जो स्टार्टिंग है चैप्टर की, दैट इज विद द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार. कि सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पर क्या हुआ था, अब आपको बता दिया जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार किस किसके बीच में हुआ था. दो ग्रुप थे, एलाइज ग्रुप एंड एक्सिस. इसे सेंट्रल पावर भी कहा जाता है, एक्सिस को सेंट्रल पावर भी कहा जाता है. और मेनली सेंट्रल पावर इसको फर्स्ट वर्ल्ड वार में दिया गया था ये नाम, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार तक आते आते ये सेंट्रल पावर नहीं रही थी. सो हम एक्सिस पावर एंड अलाइड पावर ही यूज करेंगे. अलाइज पावर, अलाइज में कौन आते थे, पावरफुल कंट्रीज थी, फ्रांस, रशिया, यूएसए, इंग्लैंड, ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं अभी. तो फ्रांस, रशिया, यूएसए एंड इंग्लैंड, दे आर इन वन पार्ट, वन साइड, दैट इज कॉल्ड द अलाइड और अलाइज ग्रुप. एंड सेकेंड वन इज एक्सिस ग्रुप. एक्सिस में कौन आता है, जर्मनी, जापान एंड इटली. अब जो वर्ल्ड वॉर हो रहा है वो इनके बीच में हो रहा है. सो एक्सिस पावर है, ड्यू टू सम रीजन ये हार जाती है, जीतता कौन है, अलाइड पावर. तो पनिशमेंट अलाइड पावर देंगे एक्सिस पावर को. अब जर्मनी ने ऐसा कुछ किया था जिसकी वजह से इसे पनिशमेंट मिलेगी. जर्मनी ने क्या किया था, क्योंकि जर्मनी में लीडर था हिटलर और हिटलर को सपोर्ट करने वाले इसके सपोर्टर थे नाजी. अब नाजी आइडियोलॉजी थी हिटलर की कि अदर कम्युनिटीज हैं उनको जर्मनी से हटा दो, ज्यूइश हैं, नाजीज हैं, पोलिश हैं, पोलैंड के लोग हैं या फ्रांस के लोग हैं, सबको एलिमिनेट कर दो, जो अनहेल्दी है उनको भी मरवा दिया. मतलब हिटलर ने बहुत सारे कसूर लोगों को, बेगुनाह लोगों को मरवा दिया. तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक थी हिटलर की. अब जो नाजी थे उन्होंने क्योंकि निर्दोष लोगों को मारा है, तो अलाइड ग्रुप है, उन्होंने कहा कि सेकेंड वर्ल्ड वार भी आप लोगों की वजह से हुआ है, इतने सारे लोग मारे गए हैं, ऊपर से आपने जर्मनी में और आसपास के जितने भी आपने टेरिटरीज को ऑक्यूपाई करा वहां पर आपने लोगों को मरवाया है, सो उसके लिए आपको पनिशमेंट तो मिलेगी. तो अब पनिशमेंट अलाइज ग्रुप देगा किसको, जो नाजीज थे उनको, जो हिटलर के सपोर्टर थे उनको पनिशमेंट मिलेगी. तो जो चैप्टर का स्टार्टिंग है उसमें एक हैमलेट नाम का बच्चा है जिसके की पेरेंट्स आपस में बात कर रहे हैं, उसके फादर सपोर्टर थे हिटलर के, वो खुद एक नाजी थे. अब वो ये बात कर रहे हैं कि अलाइड पावर वाले हमें छोड़ेंगे नहीं, हमें वो मारे इससे पहले हम खुद को मार लेते हैं, या फिर आप खाने में कुछ ऐसा, उनकी मदर से बोल रहा होता है कि या फिर आप खाने में कुछ ऐसा मिला दो कि हम सब पहले ही मर जाएं, इससे पहले कि हमें कोई पनिशमेंट दे अलाइड पावर. तो अब ये बच्चा सुन रहा है, ये बहुत डर जाता है कि ये क्या हो रहा है, और उसके बाद में इसके फादर अपने आप को शूट कर लेते हैं गन से. और ये बच्चा दो दिन तक इस डर से खाना नहीं खाता कि कहीं मेरी मदर ने खाने में भी कुछ ना मिलाया मुझे भी मारने के लिए. तो ये एक बताया जाता है कि लोगों की उस टाइम पर क्या हालत थी सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में, जो जर्मनी में नाजी जो लोग थे, जो फॉलोवर थे हिटलर के, उनकी क्या हालत हुई थी. अब उनको ये डर लग रहा था कि हमने जैसा लोगों के साथ किया है, अब एलाइड पावर भी हमारे साथ ऐसा ही करेंगे. सो दिस इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ योर चैप्टर. नाउ कम टू द पॉइंट.
सो वॉट हैपन्ड आफ्टर द रिजल्ट ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर? सेकेंड वर्ल्ड वॉर का रिजल्ट आया 1945 में, वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, अलाइड पावर है वो जीत गए और एक्सिस पावर है वो हार गए। उसके बाद में अलाइड पावर ने अपनी प्रोसेसिंग करने स्टार्ट करी, जर्मनी सरेंडर टू अलाइज, जर्मनी ने सरेंडर कर दिया कि हाँ हम हार मानते हैं, एंड इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल उसने सजा देना स्टार्ट करा कि अब जो दोषी पाया जाएगा उसको सजा दी जाएगी। ये अलाइड पावर की तरफ से था ये ट्रिब्यूनल। ओके, क्या कहा गया? ट्रिब्यूनल सेंटेंसेस ओनली 11th लीडिंग नाजीज टू डेथ। अब नाजी जो फॉलोवर थे हिटलर के, वो बहुत सारे लोग थे जिन्होंने बेगुनाह लोगों को मारा था, लेकिन उनके जो टॉप 11 लीडर्स थे सिर्फ उन्हीं की डेथ की सजा सुनाई गई। कहां पर? इसने मिलिट्री ट्रिब्यूनल ने सिर्फ 11 टॉप लीडर्स हैं उन्हीं को फांसी की सजा सुनाई, उन्हीं को बोला कि 11 लीडर हैं इनको मार दिया जाए। अब आप कहेंगे कि इतने सारे अगर लोग थे तो सभी को मारना चाहिए, उन्होंने कितने सारे लोगों को मारा था, लेकिन इन्होंने कहा, अब इन्होंने 11 लोगों को ही क्यों पनिशमेंट दी? क्योंकि ये लोग इतना हार्श, इतना कठोर नहीं होना चाहते थे जर्मनी के साथ में जितना ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हुए थे। अब यहाँ पे सस्पेंस क्रिएट ये हो रहा है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भी जर्मनी को पनिशमेंट मिली थी, और वो पनिशमेंट क्या थी अभी हम आगे पढ़ेंगे इसको। अभी आप इतना ही समझिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी जर्मनी हारा है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी जर्मनी हारा है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो पनिशमेंट मिल रही है वो 11 नाजी को डेथ की पनिशमेंट मिल रही है, एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में जो पनिशमेंट मिली थी वो हम आगे पढ़ेंगे। इतना समझ में आ गया? प्रोसिक्यूटेड नाजी वॉर क्रिमिनल्स फॉर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। अब जो अलाइड पावर्स था या ये जो ट्रिब्यूनल बनाया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लोगों को सजा देने के लिए, जो क्रिमिनल पाए जाएंगे उनको सजा दी जाएगी, अब इन्होंने कहा कि जो नाजी है ना वो रियल क्रिमिनल है। जो वर्ल्ड वॉर हुआ है, इतने सारे लोग मारे गए हैं, उसके क्रिमिनल कौन है? नाजी, जो कि हिटलर के कौन थे? सपोर्टर्स। इन्होंने कहा कि क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मानवता के अगेंस्ट में जाकर के इन्होंने क्राइम किया, एक जुर्म किया, मतलब बेगुनाह लोग बेवजह मारे गए हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और किन लोगों को इन्होंने मारा? देखिए, किलिंग ऑफ 6 मिलियन ज्यूज। ज्यूज एक कम्युनिटी है, तो जो जर्मनी में रहने वाली ये कम्युनिटी थी ज्यूज, इनको मरवा दिया, और कितने सारे? 6 मिलियन। 2 लाख जिप्सीज, जिप्सीज भी थी एक अलग कम्युनिटी, इनको भी मरवा दिया। किसने? हिटलर ने। एंड 1 मिलियन पोलिश, पोलैंड के जो लोग हैं, 1 मिलियन पोलैंड के जो लोग हैं जर्मनी में रह रहे थे उनको मरवा दिया, एंड 70,000 खुद जर्मनी के लोगों को मरवा दिया। अब ये इतने सारे लोगों को क्यों मरवाया था हिटलर ने, क्या इसके पीछे रीजन था, ये भी चैप्टर में आएगा, लेकिन अभी आपको शॉर्ट में बता दें, हिटलर चाहता था कि जर्मनी में सिर्फ एक ही रेस रहे, नॉर्डिक आर्यंस, प्योर नॉर्डिक आर्यंस वो रेस चाहता था, एक ऐसी रेस, मतलब एक ही कम्युनिटी के लोग, एक ही नस्ल के लोग वहां पर रहे जर्मनी में, इसलिए बाकी किसी को वो बर्दाश्त नहीं करता था, उसने सबको मरा दिया, जो अनहेल्दी है उनको भी, जर्मन में जो अनहेल्दी है, उसने कहा था जो अनहेल्दी पीपल है वो कंट्री के लिए बोझ है, इसलिए इनको भी खत्म करो। तो ये सारे लोग है, वो चाहता ही नहीं था जर्मनी में नॉर्डिक आर्यन के अलावा कोई रहे। सो ये एक क्रूअल पॉलिसी थी किसकी? हिटलर की, कि वो नॉर्डिक आर्यन चाहता था, ये नाजी पॉलिसीज में हम पढ़ेंगे इसकी। सो यहाँ पर हमने देखा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में अलाइड पार्टी ने नाजीज हैं उनको डेथ, 11 नाजी टॉप लीडर है उनको डेथ की पनिशमेंट दी, एंड क्योंकि ओनली 11 लोगों को क्यों दी, क्योंकि अलाइड पावर को खुद लग रहा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में जब हम पनिशमेंट देने लगे थे जर्मनी को तो हमने कुछ ज्यादा ही हार्श, बहुत ज्यादा हार्श उनके साथ में बहुत बुरा किया था, तो अब की बार हम इनको छोड़ देते हैं, मतलब ऐसा कुछ यहाँ पर लग रहा है देखने से। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था ये हम आगे कंटिन्यू करेंगे, और यहाँ पे हमने एक शॉर्ट में देखा कि नाजी की जो आइडियोलॉजी है, जो हिटलर है उसकी जो थिंकिंग है, वो किन चीजों पर बेस्ड थी, कि जर्मनी में ओनली प्योर नॉर्डिक आर्यन रेस है वो सरवाइव करे, बाकी लोगों को वो एलिमिनेट करना चाहता था। ओके, सो नाउ वी कम टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। आप बोलेंगे पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर पढ़ा है उसके बाद में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, बुक में ऐसा दिया हुआ है, पहले इंट्रोडक्शन दे रखा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, उसके बाद में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की स्टोरी स्टार्ट होती है। सो हम भी बुक की तरह चलेंगे, फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। दैट इज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, अभी आपको मैंने बताया था 1914 से 1918 तक ये वर्ल्ड वॉर होता क्या है, लगभग वर्ल्ड की जो बड़ी कंट्रीज हैं वो आपस में लड़ने लगे, किस लिए लड़ाई होती है, ये वर्ल्ड वॉर क्यों हुए थे, रिसोर्सेज ऑक्युपाई, टेरिटरी ऑक्युपाई करने के लिए, किसी कोई कंट्री है वो दूसरी कंट्री की टेरिटरी को ऑक्युपाई करना चाहती है, दूसरी कंट्री को जीतना चाहती है,
रिसोर्सेज के लिए. सो ये मेन जो रीजन है वर्ल्ड वार के पीछे वो ये थी, रिसोर्स टू एक्युमुलेट द रिसोर्सेज, रिसोर्सेज इकट्ठा करना चाहती है कंट्री, तो ये आपस में वर्ल्ड वार होता है. सो अभी हमने पढ़ा था सेम वही ग्रुप है, एलाइड एंड एक्सिस. एक्सिस को उस टाइम पर सेंट्रल पावर कहा जाता था क्योंकि ये बहुत ज्यादा पावरफुल हुआ करती थी. यहाँ पर इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, यूएसए, यहाँ पर रेवोल्यूशन आ गया है, रिपब्लिक्स बन गई है ये कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्रीज बन रही है, रिपब्लिक बन रही है, लोगों को अपने राइट्स के बारे में पता चल रहा है, तो ये इनका डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुका है इन कंट्री का. लेकिन यहाँ पर जर्मन में, लेकिन यहाँ पर जर्मनी में या ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑस्ट्रेलिया नहीं है ये ऑस्ट्रिया है, नेबरिंग कंट्री ऑफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड ऑटोमन टर्की, ये एम्पायर है जहां पर अभी भी किंग है और उसने एम्पायर मतलब जिस जिस एरिया को उसने ऑक्यूपाई किया वो उसका एम्पायर बन गया. तो ये सारे यहाँ पर एम्पायर है. जर्मनी में कैसर विलियम सेकेंड था किंग उस टाइम पर. ओके, नॉट सो अलाइज एंड एक्सिस दोनों के बीच में वॉर होता है और वॉर जीतने ही वाले हैं सेंट्रल पावर. लेकिन बीच में 1917 में यूएसए एंट्री कर जाता है एंड यूएसए के एंट्री करने से ये जो ग्रुप है ये ज्यादा पावरफुल बन जाता है. फाइनली ये ग्रुप है ये हार जाता है. वही सेम स्टोरी कि अलाइड पावर है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी जीते थे एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी ये जीत गए हैं. अब इनके जीतने से हमें एक चीज यहाँ पर नजर आ रही है क्योंकि हम जर्मनी के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि हम हिटलर के बारे में पढ़ना है, तो हमें एक चीज ये नजर आ रही है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी जर्मनी हारा था. सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी का क्या हुआ कि 11 नाजी थे उनको पनिशमेंट दे दी टॉप लीडर्स को और इनको ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट में क्राइम माना गया कि नाजीज ने जो कराया वो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट में क्राइम है. तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का रिजल्ट हमें पता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रिजल्ट हम देखते हैं क्या हुआ. लेट्स मूव टू द स्टोरी आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन जर्मनी. जर्मनी में क्या हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में, आफ्टर डिफीट ऑफ इंपीरियल जर्मनी. इंपीरियल जर्मनी क्यों बोला है, यहां पर अभी भी किंग है इसलिए इंपीरियल जर्मनी बोला है. अब जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उसके बाद में एब्डिकेशन ऑफ द एम्परर, जो एम्परर थे केजर विलियम, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, अपने पद से इस्तीफा दे दिया, अपने जो पोजीशन थी उसको छोड़ दिया, एब्डिकेशन कर दिया उन्होंने कि मैं अब यहां का राजा नहीं हूं. देन पार्लियामेंट्री पार्टीज मीट एट वेमर. वेमर जर्मनी में एक जगह का नाम है, जैसे हम इंडिया में बोले मुंबई है, दिल्ली है, कोलकाता, कुछ भी जगह, तो वेमर जर्मनी में है. तो पार्लियामेंट्री पार्टीज थी, उन्होंने कहा कि अगर देश को चलाना है तो सरकार बनानी पड़ेगी, तो पार्लियामेंट्री पार्टीज थे वो मिले सारे के सारे, मीटिंग करी उन्होंने वेमर में और इन्होंने कहा हम अपने आप को नेशनल असेंबली बनाते हैं और हम लोग बनाएंगे सरकार. तो इन्होंने अपनी नेशनल असेंबली बना ली जिसको कि बाद में बोला गया, क्या नाम दिया इन्होंने, वेमर रिपब्लिक बोला. इन्होंने कहा हमारी जो जर्मनी है वो वेमर रिपब्लिक बनेगी और इन्होंने अपने आप को भी नेशनल असेंबली नाम दिया. उसके बाद में एस्टैब्लिश्ड अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो नेशनल असेंबली थी इसने एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन लिखना स्टार्ट कर दिया और इन्होंने कहा कि अब जो गवर्नमेंट चलेगी इस कॉन्स्टिट्यूशन पर ही बेस होगी. डिप्टीज वर इलेक्टेड, जो डिप्टीज थे उनको चुना गया डिफरेंट काम के लिए, जो डिफरेंट जो हेड जिन्हें कहा जाता है, तो जो डिप्टीज हैं उनको इलेक्ट किया गया और इलेक्शन का प्रोसीजर राइट टू वोट, सबको राइट टू वोट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जिसे कहा जाता है, मैन वुमेन सबको, सो उसकी हेल्प से डिप्टीज हैं उनको इलेक्ट किया गया. एंड जर्मन में जो पार्लियामेंट बनी उसको नाम दिया गया रिचस्टैग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जब पार्टिसिपेट करेंगे तो क्वेश्चन आता है कि जर्मन की जो पार्लियामेंट है उसका क्या नाम था, तो आपको याद रहे रिचस्टैग थी जर्मनी की पार्लियामेंट. सो आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में जो एम्परर था उसने अपना एप्लीकेशन कर दिया, अब पार्लियामेंट्री पार्टीज है वो वेमर में मिली जाकर के और उन्होंने अपनी एक नेशनल असेंबली बनाई जिसको उन्होंने नाम दिया वेमर रिपब्लिक. उसके बाद में उन्होंने डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन लिखना स्टार्ट करा, राइट टू वोट सबको दिया गया, डिप्टीज को इलेक्ट किया गया एंड जर्मनी में इस तरह से एक पार्लियामेंट बनी जिसे रिचस्टैग कहा जाता है आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. ओके, जर्मनी में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में एम्परर ने रेजिग्नेशन दे दिया, एब्डिकेशन हो गया, उसके बाद में न्यू पार्लियामेंट बनी, उसके बाद में इलेक्शन हुए, न्यू डिप्टीज को चुना गया है, वेमर रिपब्लिक बन गया है, पार्लियामेंट बन गई है. बट प्रॉब्लम अभी भी थी, क्या थी,
वेमर रिपब्लिक वॉज नॉट रिसीव्ड वेल बाय इट्स ओन पीपल, मतलब जर्मनी के लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे वेमर रिपब्लिक को। क्या उसके पीछे रीजन है? उसके पीछे एक मेन रीजन था, दैट इज वो बेस बना किसका, चैप्टर का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है चैप्टर का कि वेमर रिपब्लिक को अभी भी लोग एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे थे। तो उसके पीछे रीजन है, वेमर रिपब्लिक एक्सेप्टेड द पीस ट्रीटी ऑफ वर्साइज। वर्साय, आप याद करिए, हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में वर्साय पढ़ा था। वर्साय एक पैलेस था फ्रांस में, तो वर्साय फ्रांस में एक पीस ट्रीटी हुई। फ्रांस किसकी तरफ था? अलाइड पार की तरफ। और अलाइड पार ने जर्मनी को बोला कि आपने जो गलती करी है उसके लिए हम एक ट्रीटी कर रहे हैं, एक समझौता कर रहे हैं, और उसके लिए आपको आना पड़ेगा। वर्साय की ट्रीटी यहाँ पर साइन होगी कि आप ऐसा ऐसा करेंगे जो जो आपको बोला जाएगा। अब वेमर रिपब्लिक ने, जो जर्मनी को बोला गया कि आपको ऐसा करना है, इतना आपको कंपनसेशन देना है, आपने ऐसा करा है तो आपको अपना ये एरिया देना है, सारी चीजों को एक्सेप्ट कर लिया किसने? जो वेमर रिपब्लिक के जो डिप्टीज गए थे, जो डिप्टीज, जो हेड गए थे वेमर रिपब्लिक के, ट्रीटी ऑफ वर्साइज फ्रांस में गए थे, जो ट्रीटी को साइन करने के लिए, वो वाकई में साइन करके आ गए। उन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि हम लोग इसे नहीं मानते हैं, क्योंकि वो खुद ही डरे हुए थे, क्योंकि अभी अभी तो हार के आया राइट से। सो प्रॉब्लम यही थी, क्योंकि इन्होंने इस ट्रीटी, अब क्वेश्चन तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि ट्रीटी ऑफ वर्साइज में ऐसा था क्या? अभी हम पढ़ेंगे ट्रीटी ऑफ वर्साइज में क्या क्या बातें, क्या क्या कंडीशंस रखी गई थी, वो अभी हम रीड करेंगे। बस इतना समझिए कि वेमर रिपब्लिक को वहां के खुद के लोगों ने एक्सेप्ट नहीं करा था। उसके पीछे मेन रीजन था बिकॉज दे साइन द हार्श ट्रीटी ऑफ वर्साइज। जो वर्साइज की पीस ट्रीटी थी उसको वो साइन करके आए थे वेमर रिपब्लिक के डिप्टीज। सो इस डिसग्रेस ऑफ जर्मनी इन ट्रीटी ऑफ वर्साय, वर्साय में जो ट्रीटी साइन हुई थी वहां पर डिसग्रेस हो गया था जर्मनी का, एक बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई थी जर्मनी की। जैसे पार्क में बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं और दो बच्चों के आपस में झगड़ा हो जाता है और वहां पर भीड़ इकट्ठी हो जाती है, और वाकई में जब एक पूछा जाता है कि कहाँ से लड़ाई स्टार्ट हुई, तो एक बच्चा की सारी गलती निकलती है कि इसने मुझे पहले मारना स्टार्ट करा था, और उस बच्चे को दो चार लोग जो बड़े हैं भीड़ में वो उसको डांटना स्टार्ट कर देंगे, आपने ऐसा क्यों करा, आप आगे से ऐसे नहीं करेंगे, या फिर आप इस पार्क में खेलने नहीं आएंगे। और वो बच्चा सब सुनता रहेगा और उसको बहुत ज्यादा फील होगा उस टाइम पर, डिसग्रेस फील होगा। ऐसे ही जर्मनी को जब पीस ट्रीटी में वो गया और जो जो कंडीशंस उसको बताई गई, ऐसे ही जर्मनी को भी एक, मतलब वहां के जो डिप्टीज थे उनको डिसग्रेस लग रहा था कि कैसे हमारी बेइज्जती करी जा रही है। जर्मनी को ही रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा रहा है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए। सो वर्साय की जो पीस ट्रीटी है उसमें क्या कंडीशन थी, वी विल कंटिन्यू। सो कंडीशंस इन ट्रीटी ऑफ वर्साय, वर्साय की ट्रीटी में कौन कौन सी कंडीशन पुट करी गई थी, हियर योर आंसर। ये कंडीशंस थी जिसकी वजह से जर्मनी को लग रहा था कि उसको बहुत ज्यादा डिसग्रेस करा गया है, या उसको ही गिल्टी क्यों माना गया है। तो ये सारी कंडीशंस थी जो जर्मनी को फेस करनी पड़ी थी। सो इस ट्रीटी को बोला जाता है हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग। क्यों कहा जाता है, अभी हम जब ये पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा, इतनी कठोर और ह्यूमिलेटिंग, इतना किसी को नीचा दिखाने वाली ये कैसे थी, ये ट्रीटीज की कंडीशंस। सो फर्स्ट, जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनी। जो कॉलोनीज थी, जो कैप्चर्स कर रखे थे, जो एरिया जर्मनी ने दूसरी दूसरी कंट्री में, जैसे कि हम ब्रिटेन के कॉलोनी थी इंडिया, ऐसे ही जर्मनी ने भी अपने बहुत सारी कॉलोनीज बना रखी थी, वो सारी की सारी छीन ली कि अब तुम्हारी, जर्मनी के बाहर तुम्हारा कोई भी टेरिटरी नहीं है, तुम्हारी जितनी कॉलोनीज हैं उन पर अब हम कब्जा कर लेंगे। किसने कहा? अलाइड पार्ट से। नेक्स्ट, 1/10 ऑफ इट्स पॉपुलेशन। अब 1/10 ऑफ इट्स पॉपुलेशन क्यों कहा गया है, कि ये जो कॉलोनीज थी यहां पर इनकी 1/10 पॉपुलेशन रह रही थी। तो कॉलोनी अगर कैप्चर कर लिया है तो वो पॉपुलेशन भी ऑटोमेटिकली उनके कंट्रोल में आ जाएगी। नेक्स्ट, 13% ऑफ इट्स टेरिटरी, मतलब जर्मनी अगर ये है तो इसका 13% पार्ट कैप्चर कर लिया, मतलब टोटल जितना एरिया था उसका 13% इन्होंने कहा अब हम ये ले लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि तुम रिस्पॉन्सिबल हो, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ है, इतने लोग मारे गए, इतना नुकसान हुआ है सारी कंट्रीज का, तुम उसके रिस्पॉन्सिबल हो, इसलिए हम तुम्हारा 13% टेरिटरी लेंगे। 75% ऑफ इट्स आयरन एंड 26% ऑफ इट्स कोल। कोल डिपॉजिट होते हैं, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए जो मिनरल्स होते हैं, जैसे कोल है या आयरन है, डिपॉजिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जर्मनी को वीक बनाने के लिए इन्होंने जर्मनी का 75% आयरन जहां पर मिलता था वो एरिया 75,
परसेंट एंड 26% वो एरिया जहां पर कोल मिल रहा है, मतलब अगर ये एरियाज में मिल रहा है तो ये एरियाज हैं ये फ्रांस के एंड पोलैंड के एंड लिथुआनिया के एंड डेनमार्क के कंट्रोल में, मतलब इन चारों कंट्रीज ने, फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क, लिथुआनिया, ये नेबरिंग कंट्री है फ्रांस की, अगर फ्रांस को फ्री में कुछ मिल रहा है तो वो नेबरिंग कंट्री को भी बांट सकता है ना, इसलिए इसने नेबरिंग कंट्री को भी बांटना कि मुझे तो फ्री में मिले रहेंगे, आप लोग भी ले लो सेफ्टी पर्पज से, कि मेरी नेबरिंग कंट्री अगर इनको मैं लालच में कुछ थोड़ा बहुत शेयर दे भी देता हूँ तो मेरे को भी फायदा करेंगे, मेरे साथ ही रहेंगे। तो फ्रांस, पोलैंड, लिथुआनिया एंड डेनमार्क ने आपस में आयरन एंड कोल डिपॉजिट जो थे वो बांट लिए, कहां के, जर्मनी के। अलाइड पावर डीमिलिटराइज्ड जर्मनी, अलाइड पावर ने कि जर्मनी आगे फिर से ना किसी वॉर की प्रिपरेशन कर ले, कोई दोबारा से वॉर स्टार्ट कर दे चालाकी से, इसलिए इन्होंने इसको डीमिलिटराइज ही कर दिया कि मिलिट्री उसको खत्म करो तुम लोग, क्योंकि कोई भी मिलिट्री नहीं रहेगी, अगर मिलिट्री नहीं है तो मतलब कंट्री की तो पावर वैसे ही खत्म होगी। ओके, वॉर गिल्ट क्लॉज किसे बोला जाता है, वॉर गिल्ट क्लॉज का मतलब कि भाई तुमने जो नुकसान करा उसको पूरा करने के लिए अब तुम्हें कंपनसेशन देना पड़ेगा, कंपनसेशन भुगतान करना पड़ेगा, एक टैक्स पे करना पड़ेगा, कुछ पैसा देना पड़ेगा, और वो पैसा था 6 बिलियन पाउंड। तो अभी जर्मनी कहां से देगा 6 बिलियन पाउंड, वैसे वॉर में उसका इतना ही पैसा खर्च हो चुका है तो इसके पास है नहीं इतना पैसा, अब इतना पैसा नहीं है तो कुछ तो करना पड़ेगा। सो अलाइड आर्मी इज ऑक्युपाइड, अलाइड आर्मी ने, एक राइनलैंड है जर्मनी का ऐसा हिस्सा ये राइनलैंड जो कि रिसोर्स रिच है, इसमें बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज मैंने आपको बताया इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए रिसोर्सेज बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। आप कोई भी आपका डेब्ट है, कोई भी कर्जा है, आप रिसोर्स को बेच करके वो चुका सकती है कोई कंट्री। अब तुम्हारा ये एरिया जहां पर रिसोर्स मिल रहे हैं वही ले लिया किसने, यहां पर इन्होंने अपनी आर्मी भेज दी अलाइड पार्ट्स ने कि जाइए और उस एरिया को कैप्चर कर लिए जब तक वो 6 बिलियन पाउंड नहीं देते हैं। अब 6 बिलियन पाउंड देने की तो ये हालत में है नहीं, यानी कि आयरन डिपॉजिट चले गए, कोल डिपॉजिट चले गए, बाकी जो रिसोर्सेज मिल रहे हैं राइनलैंड चला गया इनके हाथों से, 13% टेरिटरी चली गई, ओवरसीज कॉलोनी चली गई और 1/10 पॉपुलेशन भी चली गई, किसमें, ट्रीटी ऑफ वर्सेली में। और इतनी सारी चीजें सुनने के बाद भी डिप्टीज उसमें साइन करके आए कि हमारे पास तो अब कोई ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हम लोग हार चुके हैं, हमें रिस्पॉन्सिबल माना जा रहा है, तो अभी हम क्या करेंगे, कोई हमें गाइड करने वाला है नहीं। डिप्टीज उन्होंने खुद मिल करके अपनी गवर्नमेंट बनाई है। सो जो डिप्टीज थे वो मजबूर थे कि फ्रांस में आए हैं, अलाइड पावर हमें वैसे हरा चुकी है, अभी हम अगर यहाँ मना कर देंगे हम लोग तो पता नहीं क्या होगा। सो इन्होंने डर के मारे वहां पर ट्रीटी पर ये साइन करके आ गए। आप ये साइन करके आए थे नवंबर में, नवंबर में गए थे ये साइन करने। सो इन्हें, यानी वो डिप्टीज, वेमर रिपब्लिक के वो डिप्टीज जो साइन करके आए थे पीस ट्रीटी, कौन सी थी, ट्रीटी ऑफ वर्सेलीज, इन्हें नवंबर क्रिमिनल्स कहा गया। इन्होंने कहा कि गलती ये नहीं है कि हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हारे हैं, गलती ये है कि ये जो पीस ट्रीटी है इसकी वजह से जर्मनी को क्या कुछ फेस करना पड़ रहा है, इसलिए मॉकिंगली इनका मजाक उड़ाने के लिए इन्हीं की कंट्री के लोग इन्हें क्या कहते थे, नवंबर क्रिमिनल्स। और पीस ऑफ ट्रीटी आपने पढ़ी लिया है, ट्रीटी ऑफ वर्सेली, सॉरी, पीस ट्रीटी ऑफ वर्सेली आपने अभी रीड कर ही लिया है, क्या थी, क्या कंडीशन थी, किसने लगाई है, अलाइड पावर ने, किस पे लगाई है, जर्मनी पे। सो अभी आपने देखा कि जर्मनी में क्या कुछ हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में, और इसी चीज का गुस्सा था हिटलर को कि दूसरी कंट्रीज को वो ऑक्युपाई करना चाहता था, अलाइड पावर का वो दुश्मन बन रहा था, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उसने आर्मी में पार्टिसिपेट जरूर किया था, लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार गई जर्मनी तो उसको बड़ी ही निराशा हुई थी। सो उसको ये फ्रस्ट्रेशन था कि जर्मनी पे इतनी हार्श ट्रीटी क्यों लगाई गई है। वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट। बेटा हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको स्टोरी की तरह ही लर्न करना पड़ेगा, इसको अगर आप कॉन्सेप्ट या फैक्ट की तरह लर्न करेंगे तो आपको लर्न नहीं होगा। ज्योग्राफी में हम देखते हैं कि हमें कुछ फैक्ट्स लर्न करने पड़ते हैं एज इट इज, कि जो हिमालयन माउंटेन है उसमें कौन सी रेंजेस कहाँ पर है, हमें एज इट इज वो लर्न करना पड़ता है। और हिस्ट्री में भी हमें जो स्टोरी बताई जाती है वो हमें एज इट इज ही देखनी पड़ती है, बट स्टोरी का ये है कि स्टोरी आपके माइंड में अपने आप मूव होगी अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। मींस जैसे आपको कोई स्टोरी सुनाई जा रही है और उसमें अगर आपको एक लाइन में भी कि कौन किसका बेटा था ये समझ में ना आए तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आता है। सो स्टोरी के जो पार्ट्स हैं उनका क्या रोल है, कौन से स्टेप के बाद में कौन सी
स्टेप आता है, ये सब कुछ आपको क्लियर होते हुए चले जाएंगे तो आपको हिस्ट्री में कुछ भी बोर नहीं लगेगा। तो एज अ स्टोरी आप रीड करिए हिस्ट्री को, एज अ स्टोरी लर्न करिए। इसके बाद जो इवेंट्स हैं, इवेंट्स कब हैपन हुए, जो डेट है उनको लर्न करने की बात है, वो सेकेंडरी थिंग है। फर्स्ट थिंग ये है कि आपको वो इवेंट्स क्यों हुए एज ए स्टोरी लर्न होना चाहिए, उसके बाद में उनको वो कब हैपन हुए थे उनकी जो डेट क्या है वो बाद में लर्न होती है। सो हिस्ट्री इज नॉट अ बोरिंग सब्जेक्ट, आप उसको इंजॉय करके एक स्टोरी की तरह रीड करिए। सो रिवाइज दीज टॉपिक्स जो हमने आज डिस्कस करे हैं विद द हेल्प ऑफ गिवन नोट्स, एंड स्टे एट होम, स्टे सेफ, फॉलो योर टाइम टेबल। बेस्ट ऑफ लक।